गले की एलर्जी के लिए हम कई तरह के घरेलू नुस्खे, कई तरह की एलोपैथिक मेडिसिन, कई तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह से रिलीफ नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में गले की जितनी भी बीमारियां होती हैं, गले की एलर्जी होना या उसके साथ में नोज़ की एलर्जी होना या उसके साथ में साइनसाइटिस होना या PND होना, ये स्किन की एलर्जी होना, अर्टिकेरिया होना, स्किन पर चकत्ते होना, स्किन पर खुजली होना, काफ़ी सारी बीमारियों के एलर्जी के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। इसका एकमात्र एक ऐसा मेडिसिन जिसे यूज करने से आप बहुत अच्छे तरीके से एलर्जी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझेंगे एलर्जी होती क्या है और उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि इसकी जो मेडिसिन है वो कैसे आपको लेनी है, कब तक आपको यूज करनी है और कैसे, कब, कहाँ यूज करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एलर्जी क्या है। जब भी हमारे गले में बार बार खराश होती है, बार बार कफ जमा होता है, हमें लगता है गले में खुजली हो रही है, कभी कभी आपने देखा होगा हमारे गले में मीठी मीठी खुजली होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम गर्म गर्म गुनगुना पानी भी पीते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी लेते हैं और फिर भी हमें आराम नहीं मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस मेडिसिन को यूज करके इस बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। जिन मरीजों को लगता है मुझे PND की शिकायत है, यानी कि उनको लगता है बार बार गले में जो बलगम है वो पीछे की तरफ जो सीक्रेशंस है वो चला जाता रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। जिनको लगता है मेरी आँखों से पानी आ रहा है, जुकाम खांसी हो गया है, या जिन मरीजों को लगता है कि मेरी नाक से भी पानी आ रहा है, वॉटरी नोज हो जाता है, आँखों में जलन हो रही है, स्किन पर खुजली हो रही है, आँखें लाल हो गई हैं, स्किन पर इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि आप खुजलाते उसमें थोड़ा सा ब्लड भी आ जाता है, तो ऐसी बीमारियों में, ऐसी एलर्जी में हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को जो प्राइवेट स्पॉट होते हैं वहाँ पर अगर किसी को खुजली हो जाए, डर्मेटाइटिस हो जाए, डर्मिस का कोई इन्फेक्शन हो जाए जो कि एलर्जी की वजह से हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जिन मरीजों को अल्टीकेरिया हो जाते हैं, बहुत दिनों से परेशान होते हैं, अल्टीकेरिया के साथ में उनको अलग प्रकार की फीलिंग्स होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं, लाल लाल पड़ जाते हैं, दाने टाइप के हो जाते हैं, तो यहाँ भी हम इसे यूज कर सकते हैं। एलर्जी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर में एक केमिकल होता है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन करता क्या है? जब हमें कोई दिक्कत होती है तो हिस्टामिन हमारे शरीर से निकलता है और ये हिस्टामिन हमारे बॉडी में जब ज़्यादा सीक्रेशन होने लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हिस्टामिन का मतलब है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हिस्टामिन नहीं होगा, कम होगा, नॉर्मल होगा, तो हमें एलर्जी नहीं होगी, काफ़ी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। हिस्टामिन आता कहाँ से है? हमारे शरीर में दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं मास्ट सेल्स, दूसरे होते हैं बेसोफिल्स। तो ये स्पेशली मास्ट सेल की बात करें तो मास्ट सेल से ये रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, मस्ट सेल इन्हें रिलीज कराती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मस्ट सेल ज़्यादा एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, बहुत ज़्यादा सीक्रेशंस हिस्टामिन का निकाले, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, हमें फेफड़ों से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाए, या है फेफड़ों से इन्फेक्शन में अगर हिस्टामिन निकलता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हिस्टामिन जब भी निकलेगा हमारे शरीर में, हमें दिक्कत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। हिस्टामिन के अलावा हो सकता है कोई एलर्जन हो, तो देखिए एलर्जन क्या करता है, एलर्जन भी जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वहाँ तब भी हिस्टामिन का रिलीज होना तय है। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन जब हमारे शरीर में निकलेगा और उसी टाइम पर अगर फॉरेन बॉडी कोई आ जाता है तो हिस्टामिन और ज़्यादा निकलेगा, और अगर बात करें इसे घुमा के कि फॉरेन बॉडी अगर हमारे शरीर में जाता है, फॉरेन बॉडी या एलर्जेंस की बात करें, देखिए फॉरेन बॉडी का मतलब होता है जो हमारे शरीर के लिए वो चीज़ सही नहीं है, वो हमें एलर्जी पहुंचा रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें हार्मफुल है हमारे लिए, उसे हम फॉरेन बॉडी कहते हैं। ठीक है, जैसे गले में कुछ अटक जाना, या गले में कुछ अटका अटका सा महसूस होना, या गले में कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा ना, एलर्जेंस चला जाता है, जैसे डस्ट चला गया या
काफ़ी सारे जैसे खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, तो जो ये हमारे लिए एलर्जेंस होते हैं, जिस चीज़ से हमें एलर्जी होती है वो हमारे लिए एलर्जन है, ठीक है। तो एलर्जन जब हमारे शरीर में जाएगा तो ये मस्ट सेल को मजबूर कर देता है हिस्टामिन निकालने के लिए, और जब मस्ट सेल हिस्टामिन को निकालेगी तो हिस्टामिन क्या करेगा, इसको जकड़ने की कोशिश करेगा, इसे पकड़ने की कोशिश करेगा, और हिस्टामिन ज़्यादा निकलेगा तो आपको वही रिएक्शंस जैसी दिक्कतें आती हैं, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, आपको आँखों से पानी, नोज से पानी, म्यूकस ज़्यादा बनना, गले में कफ सा होना, गले में इरिटेशन, खुजली टाइप की होना, या गले में बहुत सारी आपको ऐसा लगता है कि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कई बार ये हमारे गले को इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है कि हमें टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, फेरिंजाइटिस हो जाती है, कई बार गले के बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर जो हम मेडिसिन बताने वाले हैं इसके लिए, तो यहाँ पर हमने अभी तक सिम्टम्स और हिस्टामिन यानी एलर्जी को समझा है। अब हम समझते हैं कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन सबसे बेस्ट है। देखिए, वैसे तो होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन होता है, इसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति की पर्टिकुलरली अलग मेडिसिन है, चाहे वो सेम बीमारी हो, यानी कि अगर किसी को मलेरिया है तो दो व्यक्तियों के अगर मलेरिया है तो दोनों व्यक्तियों को मलेरिया की अलग अलग मेडिसिन दी जाएगी, ये होम्योपैथी में होता है, इसे हम इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। और ये सबसे अच्छा भी है, क्योंकि आपने अदर सिस्टम में देखा होगा एक ही मेडिसिन हजारों पेशेंट को दे दी जाती है केवल अगर उसको मलेरिया है तो, और यहाँ पर एक ही मेडिसिन को हम हजार तो छोड़िए दो पेशेंट्स को नहीं दे सकते, क्योंकि इसका साइंस जो है, इसका साइंस बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद ना, मतलब एक पर्टिकुलर पेशेंट को, देखिए कैसे, जैसे किसी मरीज को मान के चलिए आँखों से पानी आ रहा है और नोज से पानी आ रहा है, हालांकि उसको हिस्टामिन रिलीज हो रहा है और उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो किसी अगर इसमें से दोनों पेशेंट को सेम प्रॉब्लम है, लेकिन एक मरीज ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और एक मरीज ऐसा है जिसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही है, तो यहाँ पर दोनों मेडिसिन चेंज हो जाएंगी, क्योंकि उस मरीज को हमें, जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उस मरीज को हमें वैसी ही मेडिसिन देखनी होगी, वैसी ही मेडिसिन उसके सिम्टम से मैच करनी होगी, तब जाके उस मरीज को आराम मिलेगा। और इधर बात करें जिसको बहुत कम प्यास लग रही थी, तो उसके लिए भी हमें ऐसी ही मेडिसिन, बिल्कुल करेक्ट मेडिसिन मैच करनी होगी कि उस मेडिसिन में भी प्यास कम लगती हो और मरीज को भी कम लग रही है, तो मेडिसिन बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव होगी, बहुत जल्दी उस मरीज को ठीक करेगी। ये होता है इंडिविजुअलाइजेशन, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। एलर्जी में जो हम मेडिसिन यूज करने वाले हैं हिस्टामिनम, हिस्टामिनम एक ऐसा मेडिसिन है जो आपको CX 30, 200, 1M and 10M में पोटेंसी में मिल जाता है। ये मेडिसिन यूज करने का तरीका थोड़ा केयरफुल है। अब इस मेडिसिन को कैसे यूज करना चाहिए, थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना होगा। अगर किसी मरीज को एक्यूट प्रॉब्लम होती है, यानी कि अचानक से उसको बहुत ज़्यादा गले में इरिटेशन हो रहा है, गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस मरीज को अचानक से हुई परेशानी के लिए एकदम से हम हायर पोटेंसी पर नहीं जा सकते, यानी कि उस मरीज को हायर पोटेंसी नहीं दे सकते, क्योंकि उसको एक्यूट प्रॉब्लम है। तो एक्यूट प्रॉब्लम में हमें क्या करना होगा, जैसे जुखाम हो रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, या नजला है आपको, या फिर आपको PND की शिकायत है, साइनसाइटिस की शिकायत है, उसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपको गले में दर्द हो रहा है, आपको गले में इरिटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप 6x या फिर 30 पोटेंसी से स्टार्ट कीजिएगा। 30 पोटेंसी की दो दो ड्रॉप्स आप दिन में कम से कम 6-7 बार ले सकते हैं। अगर बात करें तो इसे आप 2 घंटे के अंतराल से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूट सिचुएशन में हम इसे रिपीट कर सकते हैं। तो एक्यूट सिचुएशन में 30 पोटेंसी को आप हर 2 घंटे में इस मेडिसिन को दो दो ड्रॉप सीधे टंग पर ले सकते हैं। अगर बात करें इस मेडिसिन को 15-20 दिन लेने के बाद में आप इसे बंद करें, और अगर इतने डोज से 10-15 दिन में आपको आराम अच्छा मिल जाए, तो उसके बाद पोटेंसी हमें चेंज करनी है। एक चीज़ याद रखें, अगर आप इस डोज को रिपीटेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि सुबह से आपने डोज लेना स्टार्ट किया, शाम तक अगर आप रिपीटेशन करते हैं हर 2 घंटे में, तो आपकी समस्या शाम को ही ठीक हो जाएगी, आपकी समस्या शाम तक ठीक हो जाएगी।
और कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें 60-70% आराम मिले, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें 30-40% आराम मिलेगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली 100 में से 99 केसेस ऐसे होते हैं जिनको हिस्टामिन की वजह से प्रॉब्लम होती है, उनको शाम तक आराम मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर 30 पोटेंसी से स्टार्ट करनी है, 15-20 दिन लेने के बाद में उसे हम बंद कर देंगे, उसके बाद में हम 30 पोटेंसी को छोड़ के हम उसे बंद करके हम जाएंगे 200 पोटेंसी पे। 200 पोटेंसी को आपको लेना है केवल दो ड्रॉप्स दिन में दो बार, सुबह एंड शाम को, ठीक है, केवल दो बार ही लेनी है। उसके बाद हमें ये जो 30 पोटेंसी है वो पहले बंद करनी होगी, उसके बाद हम 200 पोटेंसी पे जाएंगे। 200 पोटेंसी हमें लेनी है करीबन 10-12 दिन तक। 12 दिन के बाद में हम 200 पोटेंसी को बंद करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे 1M पोटेंसी पे। 1M पोटेंसी को हमें दिन में एक बार लेनी है, केवल एक बार दिन में, जो कि उसे हम ले सकते हैं एक वीक तक, यानी 10 दिन तक अप्रॉक्स आप मान के चलिए, एक बार पूरे दिन में 1M पोटेंसी को हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल केयरफुली समझना। उसके बाद में हम 1M पोटेंसी को 10-12 दिन बाद बंद करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे 10M पोटेंसी को स्टार्ट। 10M पोटेंसी को स्टार्ट करने से पहले आपको 1M पोटेंसी बंद करनी होगी। 10M पोटेंसी जब आप स्टार्ट कर देंगे तो ये पोटेंसी आपको याद रखनी होगी, वीकली एक बार लेनी है, यानी एक सप्ताह में एक बार लेनी है। और ये मेडिसिन आप 6-7 महीने तक चलाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, आपकी सारी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये है परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एलर्जी का इलाज। 100% आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। आपको सही तरीका यूज करना है, आपको सही मात्रा में लेनी है, कुछ भी गड़बड़ आपको नहीं करना है। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको लगता है कि वीडियो बहुत वास्तव में इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई नहीं देता इतनी डिटेल से, बेसिकली आपको कोई नहीं समझाता है जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको इतने आसानी से, इतने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसी तरह से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।